सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है माँ जल्दी करो। उसके बाद हम लोग आवाज़ और चित्र में नए नए शब्द सीखेंगे, फिर अक्षर और बारह खड़ी की को समझेंगे, फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और जानेंगे संख्याओं को। उसके बाद अनुमान लगाओ और लाइन लगाओ खेल में हम लोग संख्याओं के बारे में और भी बेहतर ढंग से जानेंगे और अंत में अंग्रेजी में पढ़ेंगे एक राइम जिसका नाम है रिंगा रिंगा रोजेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर एक साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे। हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलहों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहां रैयत इतनी कुचली गई है, जहां सब इतने भयभीत रहते हैं, वहां कचहरियों के माफत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत ने गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे।
दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके, किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे। अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई। मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया, फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था। खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था। सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। जानते हो वो क्या थे? वो थे सत्य और अहिंसा। थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये वो स्कूल है जहाँ पे हम खेल खेल में, हंसी मजाक में और बहुत सारी मस्ती करते हुए ढेर सारी चीजें सीखेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तैयार है? काकी, मेरा ब्रश कहाँ है? बिटिया, वही होगा। आप जल्दी आइए ना, मिल ही नहीं रहा है। बिटिया, आती हूँ, पानी तो भर लूँ। मिल गया काकी, अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। काका, मेरा स्कूल बैग कहाँ है? मिल नहीं रहा। बिटिया, आता हूँ, जरा दूध तो उबाल लूँ। बिटिया, आज हर काम के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? तुमको कहीं जाना है क्या? काका काकी, जाना तो कहीं नहीं है, पर आज जल्दी से तैयार होकर पढ़ना है। अच्छा,
तो बिटिया आज स्कूल टाइम पर तैयार होकर पढ़ाई करेगी। हाँ काका। बहुत खूब बिटिया। ये तो उस लड़के जैसी बात हो गई। लड़का? कौन लड़का? हाँ बिटिया, लगता है तुम्हारी काकी को कोई कहानी याद आ गई। एक कहानी में लड़का है जो सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था और माँ को जल्दी आओ बोल रहा था। काकी, फिर तो आज की पढ़ाई कहानी सुनने से ही शुरू हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनते हैं यह कहानी। जल्दी करो, मैं सवेरे उठ गया। मैंने अपनी आंखें मली, माँ नहीं दिख रही थी। माँ, माँ जल्दी आओ। माँ उधर से कहती हैं, हाँ बेटा उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो। जल्दी जल्दी नहाता हूँ, अपनी शर्ट पहनता हूँ, मुझे जल्दी जाना है। माँ मेरी बात सुनो। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, माँ समझाती हैं। मुझे दूध उबालना है, फिर मैं आती हूँ। मैं कंघी कर लेता हूँ, शर्ट के बटन लगा लेता हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। माँ जल्दी करो। माँ दीदी को कपड़े देती हैं, दीदी को तैयार कराती हैं। सुबह सुबह कितना काम होता है, पर मैं जल्दी में हूँ। माँ मुझे देर हो रही है, मैं अपनी बोतल और बस्ता उठा लेता हूँ, चप्पल भी पहन लेता हूँ। अब चलो चलो, माँ जल्दी करो। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, पहले दीदी के बाल तो बनाने दो, मुझे 5 मिनट और चाहिए, फिर हम चलेंगे। मुझे अभी जाना है, मैं नहीं रुकने वाला हूँ, मुझे रोना आ रहा है। दीदी स्कूल चली गई और मैं अभी तक यहाँ हूँ। बस हो गया है, सिर्फ पानी भरना है। माँ को हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता है। माँ जल्दी करो, अब मैं नहीं रुकूंगा, अभी चलो अभी अभी। माँ के हाथ को पकड़कर मैं खींचने लगता हूँ। अरे बाबा बत्ती तो बंद करने दो। अब हम बाहर आ गए हैं, माँ दरवाजे पर ताला लगाती हैं। चलो राजा चलो, अब मैं खुश हूँ, माँ मेरे साथ हैं, मुझे राजा कहकर बुला रही हैं और मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्यों बिट्टू, कहानी कैसी लगी? कहानी तो मजेदार थी, सुनकर खूब मजा आया। बिटिया मजा ही आया या कुछ समझ में भी आया? आप तो बस कहानी पर चर्चा शुरू कीजिए, पता चल जाएगा। हाँ हाँ, तो बिट्टू तुम बताओ, लड़का कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था? लड़का स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। बहुत बढ़िया, बिट्टू के काका आप बताइए, लड़का सवेरे उठते ही क्या बोला था? लड़का सवेरे उठते ही बोला, माँ माँ जल्दी आओ। बहुत खूब काका। काकी आप बताइए, माँ मुझे देर हो रही है, लड़के ने क्यों बोला? यह तो बहुत आसान प्रश्न है, उसने इसलिए बोला क्योंकि उसे स्कूल समय से पहुँचना था। बच्चों आप भी इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए और घर के लोगों को बताइए। पहला प्रश्न है, माँ ने 5 मिनट और चाहिए क्यों बोला था? दूसरा प्रश्न है, लड़के को रोना क्यों आ रहा था? तीसरा प्रश्न है, लड़का क्यों खुश था? चौथा प्रश्न है, आपको कब कब रोना आता है? पांचवा प्रश्न है, क्या आपको भी कभी स्कूल जाने की जल्दी होती है? कब और क्यों, बताइए। काका कहानी पर चर्चा करने के बाद खेल खेलने की इच्छा हो रही है। अच्छी बात है, पर पढ़ाई कब करोगी? बिट्टू के काका यहाँ भी तो खेल खेल में पढ़ ही रही है, क्यों बिट्टू? बिल्कुल काकी, जल्दी से तैयार होकर पढ़ना था,
वह तो कर ही रही हूँ। ठीक है, फिर शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है आवाज पहचानो। ग्रेट काका। दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है आवाज पहचानो। इस खेल में हमें कुछ आवाजें सुनाई देंगी, बस वह आवाज किसकी है यह हमें पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं खेल। यह आवाज किसकी है? हाथी की नहीं, हवाई जहाज की भी नहीं, यह आवाज है शिप की। यह आवाज तो इसकी है। इस आवाज को तो आप और मैं दोनों बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो जल्दी से बताइए यह आवाज किसकी है? क्या कहा? हाथी की। बिल्कुल सही। यह आवाज है हवाई जहाज की। अरे वाह, हमें फूल मिले हैं, बहुत खूब। यह आवाज किसकी है? चिड़िया की नहीं, घोड़े की नहीं, ये मक्खी की आवाज नहीं है, तो शायद यह आवाज मेंढक की है। अरे वाह, यह आवाज तो घोड़े की है। यह आवाज है चिड़िया की। अरे वाह, हमें फिर से फूल मिले हैं, बहुत खूब, मजा आ रहा है। इस आवाज को तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पहचाना था, तो जल्दी से बताइए यह आवाज किसकी है? क्या कहा? यह आवाज है ब्रश करने की। बिल्कुल सही। यह आवाज ना तो गधे की है और ना ही मेंढक की, तो यह आवाज है इसकी। यह आवाज गधे की है और यह आवाज है मेंढक की। वाह, ये आवाज है, क्या कहा? ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पहचानी थी। बिल्कुल सही, तो यह आवाज है गधे की। ये आवाज है सीटी की। यह आवाज है मुर्गे की। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही, यह आवाज है घोड़े की। यह आवाज है गधे की। यह आवाज है बकरी की। यह आवाज है किसकी? हाथी की। और यह आवाज है बाजी की। अरे वाह, हमें फूल मिले हैं, बहुत खूब। अब आप बताइए कि यह आवाज इनमें से किसकी है? क्या कहा? घोड़े की। चलिए देखते हैं कि आप सही बता पाए हैं या नहीं। अरे वाह, यह आवाज है कुत्ते की। यह आवाज है बकरी की। और यह आवाज है सुबह सुबह जब हम दांत साफ करते हैं ब्रश। अरे वाह, हमें फूल मिले हैं, भाई खेल खेल कर मजा आ गया, क्यों आपको भी आया ना? आपका मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, कैसा लगा खेल? जब आवाजें पहचानने का खेल हो फिर तो क्या कहने। हाँ काका, चित्र और उसकी आवाज मैंने अच्छे से पहचाना। क्या सभी आवाजों को सही पहचान लिया? आप देख रहे थे ना, फिर भी पूछ रहे हैं,
कुछ आवाजों को पहचानने में तो गलती होती ही है। बिटिया, खेल को खेलते खेलते सभी आवाज को पहचानने लगोगी। बिल्कुल काकी। आगे बढ़ें। मतलब काकी, काका अगले खेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, तो शुरू कीजिए खेल। क्यों बिट्टू? बिल्कुल काकी। बच्चों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है अक्षय घड़ी। तो चलिए खेलते हैं इस खेल को। जह। हमें पहचानना है जह। ये है डी ले, ये है जह। घए। ये है गो घए। दी। दी, हमें क्या पहचानना है दी? धा पा दी। पा। पा, यह है पा। ले। ले, अब बढ़ते हैं आगे। ये। ये। चंग। भेनू। थी। थी। शे, ये है थी। नु। नु, यह तो हमने अभी पढ़ा था। यह है नु। भे। भे, यह लिखा है सबसे पहले भे। अब पढ़ते हैं आगे। तू। तू, कहाँ लिखा है? यह है तू और यह है नु। हमें क्या पहचानना है तू? तो यह है तू। झे। झे, नू फी छे छे, हमें पहचानना है झे। थाओ। थाओ, यह लिखा है थाओ। फी। फी, हमें पहचानना है फी। थाओ। फो, जैसे था थो ऐसे है, यह लिखा है फो। अब पढ़ते हैं आगे। घी। घी, घी, यह लिखा है घी। बा। बा, गन, ये लिखा है बा। पी। पी, घी, पी, ये लिखा है घी और यह है पी। हमें क्या पहचानना है पी? गम। गम, ये तो हमने अभी पढ़ा था। घी। घी, जैसे था पी ऐसे है, यह है घी। अब चलते हैं आगे। यह हमें करना है स्कीप, यानी यह हमें छोड़ना है। धो। धो, यह लिखा है मुँह टे, यह मिल गया धो। ठे। ठे, यह है ठे। दी। 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 नंग। शे। शे, टे, जैसे यह है टे और यह है शे, हमें पहचानना है शे। अब बढ़ते हैं आगे। खेल हो गया समाप्त। भाई, मुझे तो अक्षय खड़ी की खूब पहचान हो गई और इस खेल को खेलने में खूब मजा आया। उम्मीद है कि आपको भी आया होगा। आपका मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों बिट्टू की काकी, खेल खेलने के बाद कोई शिकायत तो नहीं है? शिकायत, वो भी खेल खेलने के बाद? बिल्कुल नहीं। काका, जब खेल मजेदार हो तो बाकी बातों पर ध्यान ही नहीं जाता, क्यों काकी? बिल्कुल सही बिटिया। अरे वाह, बिट्टू की काकी मेरी तारीफ कर रही हो या खेल की? खेल खिलाने वाले के साथ साथ खेल की भी। मतलब? मतलब दोनों की। काका, जब इतनी तारीफ हो रही है तो वापस पिटारा खोल ही दीजिए।
बिटिया पिटारा खुलेगा जरूर, पर मेरा नहीं तुम्हारी काकी का। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर आप दोनों को मेरी भी तारीफ करने के लिए तैयार रहना होगा। अच्छा भाग्यवान, पहले खेल तो खिलवाओ फिर सोचेंगे, क्यों बिट्टू? बिल्कुल, पर काका खेल तो कोई मजेदार ही होगा। वो कैसे? क्योंकि काकी के पिटारे में भी बहुत सारे खेल हैं। बिल्कुल सही बिट्टू, पर अभी खेल नहीं, एक मजेदार कविता सुनने वाले हैं। कविता? फिर तो समझो काकी तारीफ जरूर होगी। बिट्टू की काकी अब ज्यादा परीक्षा मत लो और कविता को सुना भी दो। तो सुनिए मजेदार कविता, रे मामा रे मामा। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला पीछे पड़ गया भालू। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को अंगूर, अंगूर अंगूर कुछ न मिला पीछे पड़ गया लंगूर। रे मामा रे मामा रे मामा रे, 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 हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला पीछे पड़ गया भालू। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को अंगूर, अंगूर अंगूर कुछ न मिला पीछे पड़ गया लंगूर। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे। क्यों बिट्टू और बिट्टू के काका, कैसी लगी कविता? काकी जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी ही थी कविता। मतलब? मतलब तो काका बताएंगे, है ना काका? बिट्टू की काकी मतलब मजा आ गया। अच्छा जी, फिर आगे भी बोल दीजिए। भाग्यवान मान गए। क्या मान गए? आप तो समझ जाइए काकी, काका आपकी और कविता की तारीफ कर रहे हैं। ओ अच्छा, धन्यवाद आप दोनों का। बच्चों आप भी अपनी मनपसंद कविता हाव भाव के साथ अपने घर के सदस्यों को जरूर सुनाइएगा। आज हम एक खास प्रकार का संगीत बनाने वाले हैं। आज हम शेकर बनाने वाले हैं। शेकर बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ गेहूं और एक खाली बोतल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें गेहूं को बोतल में डालना है और बोतल को बंद कर लेना है। अब इस बोतल को किसी जानी पहचानी ट्यून में हिलाकर देखते हैं। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, कैसी लगी कहानी? मजा आया? और आप लोगों ने ढेर सारे अक्षरों के खेल भी तो खेले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक ऐसी चीज जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं। सोचिए किस चीज की बात कर रही हूँ मैं? बिल्कुल सही, गणित की। देखिए दोस्तों, गणित से डरने वाली कोई बात नहीं है। आज हम सीखेंगे गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, आओ अनुमान लगाओ और बताओ। तो देखिए दोस्तों, ये है सूटकेस जिसमें हम अपने कपड़े रखते हैं, और ये क्या है? ये सीमेंट की बोरी है, सीमेंट जो घर बनाने के काम आता है। अच्छा तो बताओ कि इनमें से किसका वजन ज्यादा होगा, सोचो। तो दोस्तों चुटकी बोल रही है कि इस सूटकेस का वजन ज्यादा होगा। क्या लगता है, चुटकी सही है?
नहीं, फिर से सोचो, किसका वजन ज्यादा होगा, सूटकेस या सीमेंट की एक बोरी? सोचो सोचो। अच्छा, तो इस थैली का वजन ज्यादा है, क्या लगता है? बिल्कुल ठीक, इस थैली का ही वजन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सीमेंट एक सूटकेस की अपेक्षा काफी भारी होता है। आप कभी ट्राई मत करना, नहीं तो आपको लग जाएगा, काफी भारी होता है सीमेंट। अच्छा, ये है एक जग और एक बाल्टी है, सोचो कि इनमें से किसमें ज्यादा पानी समा सकता है, जग में या बाल्टी में? सोचकर बताओ। अच्छा भाई, चुटकी कहती है कि पानी ज्यादा इस जग में होगा, क्या लगता है? नहीं, फिर से सोचो, किसमें ज्यादा पानी समा सकता है, जग या बाल्टी? बाल्टी, इसमें पानी ज्यादा समाएगा। बिल्कुल सही है, इस बाल्टी में ज्यादा पानी समाएगा, क्योंकि देखिए बाल्टी का आयतन जग के आयतन से काफी ज्यादा है। अच्छा दोस्तों, एक गुड़िया की कीमत 50 रुपए है और एक गुब्बारे की कीमत है 10 रुपए। तो यह सोनल और सोनल ने एक गुड़िया ली और 2 गुब्बारे खरीदे, और ये है सुनीता, और सुनीता ने 1 गुड़िया खरीदी और 1 ही गुब्बारा खरीदा। तो बताओ कि किसने ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे, सोचो, अनुमान लगाओ। क्या सोनल ने ज्यादा पैसे खर्च किए या सुनीता ने ज्यादा पैसे खर्च किए? देखो, सोनल ने 1 गुड़िया ली थी, ये रही, और 2 गुब्बारे लिए, तो ये रहे सोनल के 2 गुब्बारे। अब सुनीता का देखते हैं, तो सुनीता ने ये 1 गुड़िया और 1 ही गुब्बारा लिया, तो किसके पास ज्यादा है? सोनल ने ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे, देखो सोनल के पास ज्यादा सामान है। अच्छा, एक किताब की कीमत है 45 रुपए और एक पेन की कीमत है 8 रुपए, ठीक है? तो बताओ कि सविता ने 1 किताब और 1 पेन खरीदा है और कविता ने 1 किताब और 1 पेन खरीदा है, तो किसने ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे? सोचो, क्या सविता ने ज्यादा पैसे खर्च किए या कविता ने ज्यादा पैसे खर्च किए, क्या लगता है? चलो देखो, सविता ने 1 किताब और 1 पेन लिया, ये है 1 किताब और ये 1 पेन, और कविता ने 1 किताब और 1 पेन, अरे ये तो बिल्कुल समान दिख रहे हैं, तो दोनों ने बराबर ही पैसे खर्च किए होंगे, है ना दोस्तों? एक केक की कीमत 80 रुपए है और एक चॉकलेट की कीमत है 5 रुपए, तो चाचा ने 1 केक लिया और 4 चॉकलेट ली, और भतीजे ने 1 केक और 2 चॉकलेट, तो किसने ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे, चाचा ने या भतीजे ने? क्या चाचा ने ज्यादा पैसे खर्च किए या भतीजे ने, क्या लगता है? सोचो। तो चाचा ने 1 केक और 4 चॉकलेट खरीदे हैं, ये देखिए 1 केक और ये 4 चॉकलेट, और ये भतीजे है जिसने, भतीजे ने 1 केक लिया और 2 चॉकलेट। देखो दोस्तों, किसके पास ज्यादा है, चाचा के? तो शायद चाचा ने ही ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे, है ना दोस्तों? इसी तरह के और सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। संख्या का अनुमान लगाएं। दोस्तों चलिए एक गेम खेलते हैं और अनुमान लगाते हैं संख्या का। तो गेम कैसा है, देखिए, खेल खेलने के लिए हमें ये हरे रंग का बटन दबाना होगा और खेल बंद करने के लिए लाल रंग का। आपने तो पहले भी खेला हुआ है तो आपसे बन ही जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं ये हरे रंग के बटन को दबाने से। ये रहा। सोचो सोचो कि सवाल क्या आने वाला है। ये रहा सवाल कि बताइए कौन सी संख्या यहाँ पर होगी। सोचो भाई, संख्या क्या होगी।
संख्या 19 होगी। रानी कह रही है कि संख्या 19 होगी। नहीं, 30 से ज्यादा और 50 से कम है रानी। अब बताओ कौन सी होगी। 21। आप संख्या के थोड़ा नजदीक हैं, लेकिन 21 नहीं है। थोड़ा और सोचो। 23। नहीं, 23 नहीं है, बस आप एक कदम दूर हो। लेकिन थोड़ा और सोचो रानी। 22। बिल्कुल ठीक, जी हाँ, एकदम सही है, 22 ही वो संख्या है। तो ये रहा आपका दफा। बहुत अच्छे दोस्तों, है ना मजेदार खेल। चलो आगे खेलते हैं। कितना मजेदार खेल है, देखते हैं आगे कौन सी संख्या होगी। आप बताओ कि सवाल क्या होगा, कौन सी संख्या होगी, सोचो सोचो भाई। अच्छा, प्रिया कह रही है कि 10 होगा। नहीं, 25 से ज्यादा है और 35 से कम है। आप बताओ कौन सी संख्या है। 34। 34 नहीं है, लेकिन आप संख्या के एकदम नजदीक हो। सोचो संख्या क्या होगी। 29। 29 नहीं है प्रिया, लेकिन हाँ, बस एक कदम दूर हो। थोड़ा और सोचो। 30। जी हाँ, एकदम सही है, 30 ही है। ये लो प्रिया, ये रहा तुम्हारा तोहफा। दोस्तों मजा आया, प्रिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा सवाल है। गेम शुरू करें। तो बताओ अब कौन सी संख्या होगी, सोचो सोचो संख्या होगी क्या। अच्छा, मुनिया कह रही है कि संख्या होगी 22। क्या लगता है मुनिया सही है। नहीं, 10 से ज्यादा और 20 से कम है, 22 नहीं है। आप बताओ। अच्छा, 12। नहीं मुनिया, आप संख्या के एकदम नजदीक हो। थोड़ा और सोचो, 12 नहीं है। 17। एक कदम दूर हो, बस एक कदम और। आप बताओ। 18। जी हाँ, आप एकदम सही हो, 18 ही वह संख्या है। ये लो मुनिया, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अब आगे। तो सोचो, आप बताओ कौन सी संख्या होगी। सोचो भाई, इस बार कौन जवाब देने वाला है। अच्छा, इस बार किट्टू जवाब देने वाली है। 17। किट्टू कह रही है कि वो संख्या 17 है। नहीं किट्टू, 17 नहीं है। देखो, संख्या 20 से ज्यादा होगी और 30 से कम। अब बताओ कि संख्या क्या होगी, 20 से ज्यादा और 30 से कम। 17 तो 20 से छोटा है, इसलिए वह नहीं है। अच्छा, 28। नहीं, 28 नहीं है, लेकिन आप संख्या के एक कदम बस नजदीक हो। थोड़ा और सोचो। 22। बस एक कदम और। थोड़ा और सोचो। 21। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप एकदम सही हो, संख्या 21 ही है। ये लो किट्टू, बहुत सारे गुब्बारे तुम्हारे लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरोही और अवरोही क्रम। दोस्तों क्या होता है आरोही और क्या होता है अवरोही, आइए जानते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है हमें, ये रही। इन्हें आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, ये हम तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा
की आरोही क्रम क्या होता है। तो दोस्तों, आरोही क्रम यानी संख्याओं का बढ़ता क्रम। किस तरह का बढ़ता क्रम? दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7, है ना दोस्तों? तो ये हुई सबसे छोटी। फिर उससे थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक पहचाना, उससे बड़ी है 15। तो 15 उससे थोड़ा बड़ा हुआ। फिर उससे बड़ा हुआ 29। ये लो 29 उसके ऊपर। और फिर उससे बड़ी, ठीक कहा, 50 उससे बड़ा है। तो 50 उसके ऊपर। और अब सबसे बड़ा हो गया 67। तो सबसे ऊपर 67। तो इस तरह आप देख रहे हैं, 7, 15, 29, 50 और फिर 67। तो ये होता है आरोही क्रम। चलो एक और सवाल करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को फिर से आरोही क्रम में लिखिए। 23, 80, 17, 69 और 30 हमारे पास है। आरोही क्रम यानी संख्याओं का बढ़ता क्रम, जैसे कि हमने अभी जाना था। अब कैसे करेंगे? दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ध्यान से देखिए। ठीक कहा, 17। फिर उससे बड़ी कौन सी है? हाँ, उससे बड़ी है 23। और 23 से बड़ी 30। और फिर 30 से बड़ी, ठीक कहा, 69 30 से बड़ा हुआ। और फिर ये रही सबसे बड़ी 80, है ना दोस्तों? तो इस तरह ये 17, फिर 23, फिर 30, फिर 69 और फिर 80। ये हुआ हमारा आरोही क्रम। दोस्तों, हमने आरोही क्रम तो जान लिया, अब जानते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। तो नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है आपको। संख्या है 5, 18, 7, 9 और 30। इसे अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? अवरोही क्रम होता क्या है? तो अवरोही क्रम यानी संख्याओं का घटता क्रम होता है। तो दी गई संख्याओं में सबसे पहले कौन सी आएगी? सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 30 है। अब आप बताओ, उससे थोड़ी छोटी कौन सी है? उससे छोटी संख्या है 18। बिल्कुल सही। और 18 से छोटी 9। और उससे छोटी है 7। फिर 7 से छोटी 5। ये सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? ये बना अवरोही क्रम। अब बताइए, इसमें अवरोही क्रम कैसा होगा? सवाल है 56, 65, 27, 72 और 57। इसे अवरोही क्रम में बदलिए। तो अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 72 और उससे थोड़ी छोटी 65। अच्छा, 65 से छोटी 57 और 57 से छोटी 56। 56 से छोटी भी कोई संख्या है? हाँ, 27। क्या 27 से छोटी कोई संख्या है? नहीं दोस्तों, ऊपर भी कुल 5 संख्याएं हैं और नीचे भी 5 है, इसलिए इससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये क्या हुआ? 72, फिर 65, फिर 57, फिर 56 और फिर 27। ये हुआ हमारा अवरोही क्रम। अब बताइए दोस्तों कि इसमें अवरोही क्रम किस तरह का होगा। सवाल है 15, 25, 14, 17 और 26। तो अवरोही क्रम आप जान ही गए कि अवरोही क्रम का मतलब होता है संख्याओं का घटता हुआ क्रम। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 26 है, फिर 25, उससे छोटी है 17, फिर 15 और फिर 14। तो ये रहा अवरोही क्रम। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा
संख्याओं का बढ़ता क्रम। इसका मतलब होता है आरोही क्रम, जैसे एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार और फिर पांच। और संख्याओं का घटता क्रम होता है अवरोही क्रम, जैसे पांच पहले, फिर छोटा चार, फिर उससे छोटा तीन, फिर उससे छोटा दो और फिर सबसे छोटा एक। इसी तरह आप भी घर पर आरोही और अवरोही क्रम के सवाल हल करते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल लाइन लगाओ। तो ये खेल क्या है और इसमें लाइन किस तरह से लगेगी, यही सोच रहे हैं ना आप? तो दोस्तों, लाइन हम दो तरह से लगाते हैं। एक क्रम में हम सबसे पहले रखते हैं सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, और इस तरह करते हुए अंत में हम सबसे बड़ी संख्या रखते हैं। दूसरे क्रम में हम इससे उल्टा करते हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, और इस तरह करते करते अंत में सबसे छोटी संख्या रखते हैं। तो आप समझ गए ना? तो चलिए देखते हैं कि इस खेल में हमें कौन से क्रम में लाइन लगानी है। संख्याओं को हमें लगाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले आएगी सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और इस तरह करते करते अंत में रखी जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी संख्याएं दी हैं। ये है 16, 6, 14, 12, 10, 7, 17, 8, 11, 13, 9 और 15। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जी हाँ, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 6। तो हम 6 को लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आएगा 7, फिर 7 के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए? जी हाँ, 7 के बाद आएगी संख्या 8। 8 के बाद आता है 9। दोस्तों, आप एक बात पर ध्यान दे रहे हैं कि जैसे जैसे हम संख्याओं को सही क्रम में लगा रहे हैं, ये जो पीले रंग के पत्ते हैं उनका रंग हरा होता जा रहा है। पत्तों का हरे होने का मतलब है कि हम सही क्रम में संख्याओं को लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद आएगी संख्या 10, फिर 10 से बड़ी है 11। 11 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? जी हाँ, 12। 12 के बाद 13, फिर जी 14। 14 के बाद आ गया 15, Well done! 16 और 17। तो इस तरह हमारा क्रम सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें लगाना है संख्याओं को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटता हुआ क्रम, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले लिखी जाएगी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, और इस तरह करते करते अंत में सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं। 11, 4, 3, 13, 10, 14, 8, 5, 7, 9, 12, 6। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या आप बता सकते हैं? यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 14। 14 के बाद कौन सी संख्या 14 से छोटी है? 14 से छोटी संख्या है 13। 13 के बाद, जी हाँ, 13 के बाद आएगा 12। फिर 11, ये तो अपने आप ही हरा हो गया। 11 से छोटी संख्या है 10। फिर 9,
नौ के बाद क्या आएगा जल्दी से बताइए। जी हाँ, नौ के बाद आएगा आठ, फिर सात, छः, पांच, well done! चार और तीन। तो इस तरह से ये क्रम सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 15, तो 15 रखते हैं। 15 के बाद आएगा 14, बिल्कुल सही। 14 के बाद 13, 13 से छोटी संख्या आएगी 12, 12 के बाद क्या आएगा जल्दी से बताइए। 11, 11 के बाद 10, फिर 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा जी हाँ 6, फिर 5 और 4। और इस तरह से हमारा क्रम सही हो गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको नई नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ तब हम सब मिलकर रिंगा रिंगा रोजेस जरूर खेलते हैं। क्या आपको पता है ये कैसे खेलते हैं? चलिए तो सुनते हैं आज की राइम जिसका नाम है रिंगा रिंगा रोजेस। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। लगी राइम दोस्तों? गोला बनाकर खेलने में मजा आया ना? मुझे भी मजा आया। क्यों? आया ना मजा गणित सीखकर भी? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा। हम आपसे मिलेंगे अगली बार। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूं बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।